आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार गोभी आलू की सब्जी। ये बहुत ही लाजवाब और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। दोस्तों आप इसको घर में एक बार ट्राई कर लेंगे, बड़े तो बड़े बच्चे तक उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। तो फिर चलिए देर किस बात की, जल्दी से बनाते हैं मसालेदार गोभी आलू की सब्जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश, स्वागत है आपका दानिश फूडी हिंदी में। दोस्तों मसालेदार गोभी आलू बनाने के लिए ये हमने एक गोभी लिया है मीडियम साइज, जिसको हमने कट कर लिया है, और हमने ये दो आलू लिए हैं बड़े साइज के, जिनको हमने कट कर लिया है। तो चलिए अब हम आलू और गोभी को कर लेते हैं फ्राई। तो उसके लिए ले लेंगे हम कढ़ाई। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। तो चलिए अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम गोभी को कर लेंगे फ्राई। तो चलिए अब हम गोभी को कढ़ाई में ऐड कर देते हैं। गोभी को कढ़ाई में ऐड करने के बाद गोभी को हम चम्मच से फैला देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हल्दी 1/4 चम्मच। चलिए अब हम इसमें पिसी हल्दी ऐड कर देते हैं। फिर हम ऐड कर देंगे पिसा नमक 1/4 चम्मच। हल्दी और नमक ऐड करने के बाद फिर हम गोभी को फ्राई कर लेंगे। गोभी को हमें 10 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में, और गोभी को हम 75% इधर ही पका लेंगे। तो चलिए अब हम 10 मिनट तक गोभी को फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम में। ये देखिए गोभी को हमने फ्राई कर लिया है 10 मिनट तक, और गोभी अपना अच्छे से फ्राई हो चुका है। जो गोभी की ऊपर की लेयर होती है ये भी लाइट गोल्डन हो चुकी है। तो चलिए अब हम गोभी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी बर्तन में। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए गोभी को हमने फ्राई करके ट्रांसफ़र कर लिया है बर्तन में। अब हम इसको रख देंगे साइड में, और इसी ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे आलू। तो चलिए अब हम आलू ऐड कर देते हैं। आलू ऐड करने के बाद आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 5 मिनट तक हमें आलू को भी फ्राई कर लेना है। आलू की ऊपर की लेयर हमें गोल्डन ब्राउन रखना है। तो चलिए अब हम आलू को भी 5 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए आलूओं को भी हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है, और आलू भी अपने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब हम आलू को भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी बर्तन में। तो चलिए अब हम जल्दी से ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसको बर्तन में। ये देखिए आलू को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे साइड में, और ले लेंगे दो प्याज। ये हमने दो प्याज लिए है मीडियम साइज, जिसको हमने कट कर लिया है। प्याज को कर लेंगे हम डीप फ्राई। चलिए अब हम फ्राई पैन में प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को फ्राई पैन में ऐड करने के बाद प्याज को हमें कर लेना है डीप फ्राई। प्याज का कलर हम रखेंगे लाइट गोल्डन। तो चलिए अब हम जल्दी से प्याज को डीप फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए प्याज अपनी डीप फ्राई हो चुकी है, और प्याज का कलर भी लाइट गोल्डन है। जब प्याज डीप फ्राई हो जाएगी तो इसको ट्रांसफ़र कर लेना है हमें किसी बर्तन में। प्याज को बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हम इसका मिक्सर से बना लेंगे दरदरा पेस्ट। तो चलिए अब हम इसको रख देते हैं साइड में, और तैयार कर लेते हैं मसाला। मसाला तैयार करने के लिए हमें एक बाउल ले लेना है। हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच पिसा मिर्चा। फिर हम ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच पिसी धनिया। फिर हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच पिसी हल्दी। फिर हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच पिसा जीरा। फिर हम ऐड कर देंगे नमक। नमक आपको अपने स्वाद अनुसार ऐड करना है। फिर हम ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच पिसा गरम मसाला। फिर हम ऐड कर देंगे 1 मैगी मसाला। मैगी मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब हम इसमें मैगी मसाला ऐड कर देते हैं। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 कप। पानी ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे साइड में 5 मिनट के लिए, और ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई लेने के बाद कढ़ाई को गर्म होने देंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच मेथी। मेथी ऐड करने के बाद हल्का सा इसको हम सॉटे कर लेंगे। सॉटे करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद पेस्ट की हमें 1.5 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेना है। तो चलिए अब हम इसकी 1.5 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं। ये देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट की हमने 1.5 से 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। जब जिंजर गार्लिक पेस्ट की भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले जो हमने बनाए थे। तो चलिए अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मसाला ऐड करने के बाद मसाले की हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में। और हमें मसाले की बहुत ही अच्छे से भुनाई करना है जब तक मसाले से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। और जिस बाउल में हमने मसाला बनाया था उसमें थोड़ा बहुत मसाला लगा था, तो उसमें हम पानी ऐड करके वो भी मसाले में हम ऐड कर देंगे।
पानी ऐड करने के बाद मसाले की हम 4 से 5 मिनट तक भुनाई कर लेंगे, जब तक मसाले से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो चलिए अब हम मसाले की 4 से 5 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं। ये देखिए मसाले की हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर ली है और मसाले से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। जब मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये हमने 2 टमाटर लिए हैं छोटे साइज के, जैसे कि बड़े साइज का टमाटर है तो आप 1 टमाटर लीजिएगा। चलिए अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद फिर हम ऐड कर देंगे 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और आपको जैसा तीखा पसंद है उस हिसाब से आप हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च और टमाटर ऐड करने के बाद इसको हमें चम्मच से चला लेना है, यानी मिक्स कर लेना है। चलाने के बाद इसको हम ढक्कन से ढक देंगे और लो फ्लेम में इसको 3 से 4 मिनट तक हम पकने देंगे, जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो चलिए अब हम 3 से 4 मिनट तक वेट करते हैं। 3 से 4 मिनट बाद हम ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलने के बाद हमें इसको चम्मच से एक बार चला लेना है। ये देखिए टमाटर भी अपने अच्छे से गल चुके हैं। जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे डीप फ्राई प्याज का पेस्ट जो हमने बनाया था। तो चलिए अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देते हैं। प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद पेस्ट को हमें मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करते हुए हमें इसकी 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम में। तो चलिए अब हम इसकी 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम में। ये देखिए 4 से 5 मिनट तक हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू जो हमने फ्राई किए थे। तो चलिए अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। आलू ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे गोभी जो हमने फ्राई किया था। तो चलिए अब हम इसमें गोभी ऐड कर देते हैं। आलू और गोभी ऐड करने के बाद हमें इसे चम्मच से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी हमें इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 1 गिलास, और आपको जैसी ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद हमें इसे चम्मच से चला लेना है। चलाने के बाद हम इसे ढक्कन से ढक देंगे 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में इसे हम पकने देंगे। तो चलिए अब हम 8 से 10 मिनट तक वेट करते हैं। 8 से 10 मिनट बाद हम ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलने के बाद फिर हम इसको चम्मच से चला लेंगे। चलाने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच पिसा गरम मसाला। फिर हम ऐड कर देंगे धनिया पत्ते। धनिया पत्ते ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन से ढक देंगे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में इसे हम पकने देंगे। तो चलिए अब हम 2 से 3 मिनट तक वेट करते हैं। 2 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलते ही साथ फाइनली अपनी मसालेदार गोभी आलू की सब्जी तैयार हो चुकी है। दोस्तों देखने में कितनी ही लाजवाब और कितनी ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। दोस्तों आप इसको पराठे के साथ खाइए, या चावल के साथ, या पूड़ी के साथ, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों आपको गोभी आलू की सब्जी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मसालेदार गोभी आलू की सब्जी कैसी लगी। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।